यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सपनों का बजट। जी हाँ, हर कोई इस बजट को सपने का ही बजट सोच रहा था। 1 तारीख को बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट है वो पेश किया है। आम जनता की बात करें तो काफ़ी सारी उनकी आशाएं थी जो कि अब शायद निराशा में बदल चुकी हैं, क्योंकि आम जन की खास उम्मीदें थी मोदी सरकार से जो बजट आने वाला है उससे, लेकिन शायद वो बजट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने ऐतिहासिक बताया है बजट को, और उनका ही कहना था ये जो बजट है वो सपनों का बजट होगा। लेकिन अगर हम गरीब लोगों की बात करें, बीपीएल परिवारों की बात करें, किसानों की बात करें, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद ये बजट रहा है। सरकार ने उन्हें अपने मद्देनजर रखते हुए पूरे बजट को तैयार किया है। लेकिन उन्हीं किसानों की अगर बात की जाए जिनके लिए सरकार ने ये घोषणा की है बजट में कि 2022 तक उन्हीं किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, विपक्ष भी इसे लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। लेकिन अब हम उन किसानों की ही बात आपको सुनवाएंगे कि किसानों को कितनी आशा थी बजट से और अब उनकी आशा क्या निराशा में बदली है या वो संतुष्ट हैं बजट को देखकर, क्योंकि जिस वक्त संसद में ये बजट पेश किया जा रहा था उसी से कुछ 10-1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ किसान हैं दिल्ली में। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि दिल्ली में लोग जो किसान हैं वो खेती भी करते हैं, किसान भी वहाँ पर रहते हैं। तो उन किसानों से बातचीत की गई, उन किसानों से पूछा गया कि अब बजट पेश हो गया है, क्या लगता है उन्हें बजट से लेकर जो उनकी उम्मीदें थी क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं। सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही साथ काफ़ी राहत जो है किसानों को दी जा रही है, उनका क्या कुछ सोचना है पहले वो सुनिए। हम ये चाहते कुछ होए हमारे साथ भी, पर कुछ नहीं हुआ। किस किस तरह की दिक्कत है किसानों की खेती में? खेती में तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है उनकी तरफ से, सब जेब से ही खर्च करना पड़ता है। जैसे बाढ़ आ जाती है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, खाना पीना और तो वैसे मिल जाता, हमें हमारे लिए तो वो नहीं है। अगर 10 नंबर में से कहा जाए मोदी सरकार को तो कितना नंबर देंगे आप उन्हें? 1 नंबर। आपको क्या दिक्कत होती है किसान खेती में? ये सरकार जो है इस बार बजट पेश की, कुछ उम्मीद है आपको, मतलब ऐसा है कि कुछ फायदा होगा आपको? नहीं, हमको कोई फायदा नहीं है, आज तक कोई फायदा नहीं दिखा हमको अपनी किसानी में। जब तक हमने अपने जीवन में 20 साल हो गए, मगर कोई भी ऐसा बेनिफिट इस सरकार से हमको, या पहले भी सरकार से या अन्य कोई और भी बनने वाली होगी तो उससे भी कोई फायदा होने वाला किसान को नहीं है। सब झूठ बोलते हैं? हाँ, सब झूठ बोलते हैं, और हम उसका नज़ारा करते हैं और देखते हैं। हमको सिर्फ, हम तो बस आँखें तकते रहते हैं और हमारे सामने सब गुजर कैसे हो जाता है, लेकिन किसान को आज तक किसी ने मुड़कर। क्या दिक्कत होती है आपको किसानी में? दिक्कत क्या है, पूरा लागा लगाते हैं, लागा लगाने के बाद में कुछ भी मेहनत भी आती नहीं आती है इसमें, घर से ही देना पड़ता है इसमें। क्या आप क्या चाह रहे थे, क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद क्या भाई, इसमें तो अपना खर्चा पूरा भी ना होता। डीजल की महंगाई, डीजल की भी महंगाई है, खाद की भी महंगाई है, लेबर की भी महंगाई है, हर सौदा की महंगाई है ना। तो खेती में है, बाढ़ आ जा, कुछ भी आ जा, मजूरी है, कुछ झुग्गी झोपड़ी टूट रहे हैं, तब भी कुछ ना फायदा है, उन्हीं का फायदा है। तो सुना आपने किसानों को कि किसानों के हाथ सिर्फ निराशा लगी है, किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जबकि बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि जो पूरा बजट है वो तैयार किया गया है किसानों को देखते हुए, गरीब परिवारों को देखते हुए, उन्हें सुविधाएं दी गई हैं, 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की बात कही गई है, लेकिन किसान यहाँ पर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चलिए, ये तो रहा एक पहलू। दूसरा पहलू आपको बताते हैं कि 10 बड़ी बातें आखिर इस बजट की क्या है, क्या कुछ जो आशाएँ हैं वो पूरी हुई इस बजट में। तो 10 बड़ी बातें, सेस के बढ़ने से आपके हर बिल की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख का हेल्थ बीमा दिया गया है, और वहीं 50 करोड़ लोगों के सालाना इलाज का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी, सरकार उस खर्च को उठाएगी। 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, गैस की जो भी दिक्कतें उन्हें आती हैं उस परेशानी को हल कर दिया गया है। 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। किसानों को हर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलेगा। खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसलों पर उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा समर्थन मूल्य मिल पाएगा, और किसानों को कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो
ये वो तमाम बड़ी बातें हैं, 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई जो बजट के दौरान सामने आई हैं। तो बजट को लेकर सभी की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट को काफी अच्छा बताया है, ऐतिहासिक बजट को बताया है और कहा है कि हर किसी को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सपनों का बजट इसे कहा गया था, आम इंसान की बात की जाए, आपकी या फिर हमारी बात की जाए, तो क्या लगता है कि जो ये सपनों का बजट है हमारे सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं?